दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पी एल एस डी बनता टीवी चैनल पे। UPSSSC लेखपाल भर्ती में जो आज कोर्ट केस की सुनवाई थी आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर मैं बता रहा हूँ कि अब कुछ नहीं बचा है इस केस में। और जो याचियों के पक्ष में उस दिन मतलब 8 जुलाई को जो हुआ था कि उनको कंसिडर किया जाएगा अगर याची लाभ मिलता है या बेनिफिट होता है उसका, पिटिशनर बेनिफिट तो दिया जाएगा अगर जीतते हैं तो। लेकिन जीतें तो, अब तो जीतेंगे ही नहीं। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आयोग इतना सक्षम है अपने आप में कि कोई भी प्रश्न आयोग नहीं हार सकता। आयोग को हराना इतना आसान चीज़ नहीं है कि हमने सोच लिया कि आयोग को हरा देंगे। आयोग के पास में बहुत सारे प्रूफ होते हैं और हमेशा डाउट ऑफ बेनिफिट्स हो जाता है, आयोग के पक्ष में ही जाता है। तो कन्या वाला आज देख लिया होगा आपने, जो प्रश्न था वो गया, ख़त्म हो गया कहानी उसकी। और जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं, जितने भी प्रश्नों पे हियरिंग होनी है, और आयोग अब जज साहब को ये टेंशन नहीं है, वो हमारी वजह से जो सुनवाइयाँ थीं वो हो जाती थीं। दूसरी चीज़, इतने लोग 8 लोग लग रहे थे तो ये लोग परेशान कर रहे थे बार बार, इनको ऐसे करो और वैसे करो। एक फॉल्टी वाला ग्रुप था, वो परेशान करता रहता था, वो भविष्यवाणियाँ करता रहता था। लोग मतलब डर जाते थे, यार ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अब डरने डराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें मैटर ही नहीं है। और दूसरा जो आज हुआ वो आगे भी होगा, ये देख लेना। जितने भी प्रश्न हैं सब खारिज होंगे और आयोग किसी कीमत पर भी नहीं हारेगा, किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता, चाहे वे कोई प्रश्न हो। आप कोई सोच रहा हो कि इस प्रश्न पर हम जीत जाएंगे, उस प्रश्न पर हमें मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हियरिंग होंगी और जज साहब भी समझ गए। आप देखो, ये जो तुम्हारी SLP है पता नहीं कितने दिन चले, 1 साल 2 साल, ये भी पता नहीं है, क्योंकि इनका तो ऐसा ही सिस्टम है। और इतना दम नहीं है कि इनमें ये तुम्हारी डेट बहुत जल्दी जल्दी लगवा सकें। दूसरा, मैंने कहा कि जो डेट लग रही थी वो हमारी वजह से लग रही थी, क्योंकि हमें अपनी नौकरी चाहिए थी जल्दी से जल्दी। तो नौकरी हम तो मिल गई और हम फ्री भी हो गए। लेकिन अब याचियों, आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और एक वो राय बहादुर करके बंदा था, वो मतलब फालतू की ये देता रहता था सलाह, तो खुद सलाह आप सीख बेटा कि अब तुम्हारा क्या होगा, होना कुछ है नहीं तुम लोगों का। वैसे ही तुमने इस मतलब भर्ती को 4-5 महीने मतलब अटका दिया, और मतलब इतने दिन की सैलरी मिलती लोगों को वो तुमने सारा विनाश कर दिया। तो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर भी आगे पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? कि तुमने दूसरे का बुरा किया है, इसलिए तुम्हारा भी बुरा होना लाजिम है। तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। आज की हियरिंग से भी क्लियर हो गया होगा, और आज की हियरिंग एकदम स्पष्ट है कि इन लोगों को अब कुछ नहीं मिलना, बस यही है, जो था वो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। और ऑडियो आएगा, वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज में कुछ नहीं है, बस यही है कि इनको अब मुँह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए, 4700 पोस्ट लेखपाल की फिर आ रही हैं। आराम से काम करिए, पढ़िए, जॉब लीजिए, इन चक्करों में मत पड़ा करो। और किसी भी भर्ती में, UPSSSC की भर्ती में, ये नहीं कि चले गए मुंह उठा के कोर्ट में तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आयोग इतना पागल नहीं है जो तुम्हें सबको नंबर बांटता फिरेगा। आयोग ने एक बार ठान लिया, चाहे यही आयोग हो चाहे कोई वो दूसरा हो, वो ठान लेता है, फिर वो मानता किसी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की यही हियरिंग है, इसमें कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।